नमस्कार, मैं मानस मिश्रा यूनिवर्सिटी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज आपके सामने मैं एक वीडियो लेकर आया हूँ जिसमें बैंक लूटने का एक अनोखा तरीका है। वो अनोखा तरीका आज आप देखेंगे, आप खुद भी हैरान रह जाएंगे कि आखिर एक महिला कैसे शाम के वक्त जब बैंक बंद हो रहा होता है तो वो बैंक को लूटने के लिए अंदर चली जाती है और उसके बाद क्या कुछ होता है। और ये वीडियो वायरल हो जाती है और पूरे देश में हाथों हाथ किस प्रकार से ये वीडियो उठ रही है, आपको दिखाते हैं आखिर इस महिला की कारस्तानी और कैसे जब इस शाम को बैंक में बंद हो जाती है उसके बाद का जो पूरा का पूरा नज़ारा था और बैंक लूटने की जो चीज़ें हैं वो जब सीसीटीवी कैमरे में कैद होती हैं तो पूरा का पूरा देश और पूरे के पूरे लोग कहते हैं कि आखिर ये हो क्या रहा है। ले चलता हूँ आपको पूरी वीडियो की तरफ, अनुरोध करूँगा इस वीडियो को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा। और इस महिला के बारे में अगर बताऊँ, इस महिला की अगर आप इसे मासूमियत कहें या क्या कहें, इसके बारे में आप ज़रूर एक बार देखिएगा। असल में एक कहानी है मेघालय की राजधानी शिलोंग की। यहाँ बैंक लूटने की कोशिश करने के मद्देनज़र एक मामला सामने आया और इतना मज़ेदार और लूट के लिए पहुंची महिला की मासूमियत देखकर आपको पता चलेगा कि दूसरी तरफ उसके पति जो था उसको लापता समझकर सोशल मीडिया पर तमाम जगहों पर उसे खोज की मुहिम चला दी। पूरा मामला जो था वो विस्तार से जानने के लिए आप थोड़ा सा रुक जाइए। 40 साल की एक महिला है जिसका नाम इसाबेला माराउब है। शुक्रवार यानी 25 जून की शाम को वो घर से सब्जी लेने के लिए बाहर निकली थी पर लौटी नहीं तो उसके पति ने उसे खोजबीन शुरू कर दी। पुलिस में शिकायत की, सोशल मीडिया पर उसे खोजने का अभियान शुरू कर दिया। शनिवार बीत गया, रविवार बीत गया, महिला का कुछ भी पता नहीं चला। वो सोमवार को मिली यानी 28 जून को, और वो भी कहाँ मिली, यस बैंक में थी जहाँ पर वो लॉक हो गई थी। अब पूरा प्लान थोड़ा समझिएगा इस महिला का, और आप इस महिला के प्लान को समझ कर वाकई में आप कहीं ना कहीं अचंभित हो जाएंगे और हैरान हो जाएंगे। इसमें इसाबेला जो नाम की महिला थी, इसका बड़ा प्लान था। एक न्यूज़पेपर के खबर के मुताबिक वो बैंक लूटने के इरादे से 25 जून यानी शुक्रवार को बैंक में गई थी। दरअसल ये बैंक उसके घर के पास में था, यहाँ वो अक्सर जाया करती थी। उसे देखने के लिए एक बैंक के सर्वर के रूम में कोई नहीं जाता था, उसे पता था कि उस बैंक सर्वर के रूम में कोई नहीं जाता था, तो वो 25 जून को सबसे बच्चे बचाते वहाँ सर्वर रूम में चली गई। उसका प्लान था कि बैंक बंद होने के बाद वो स्ट्रांग रूम में जाएगी और सारे पैसे अपने पास रख लेगी, अगले दिन जब बैंक खुलेगा तो वो निकल जाएगी। यहाँ हो गए उसके दो प्लान जो हो गए थे, उसके दो प्लान में क्या झोल हुआ वो समझता हूँ। पहला उसका था कि स्ट्रांग रूम तोड़ने के लिए जो औजार उसके पास रखे थे वो लकड़ी का काम करने वाले लोग रखते थे, और उसे स्ट्रांग रूम तोड़ने की कोशिश की पर उसे अंदाज़ा नहीं था कि स्ट्रांग रूम असल में कितने सुरक्षित होते हैं। और स्ट्रांग रूम को तोड़ने के दौरान उसे एहसास हुआ कि सीसीटीवी की रिकॉर्डिंग भी वहां पर हो रही थी, तो उसने फिर क्या किया, उसने कैमरे तोड़ दिए लेकिन बिना यह सोचे कि आखिर यह सीसीटीवी फुटेज का रिकॉर्ड तो पहले ही भी हो चुका है। और दूसरी बड़ी गलती उसकी थी कि 26 जून को चौथा शनिवार पड़ता था और अगले जो पूरे दिन दूसरे दिन और चौथे शनिवार को बैंक छुट्टी रहती है, और इसाबेला ने एक रात बैंक में रुकने के लिए ORS का घोल और चॉकलेट लेकर अपने पास रखा हुआ था, लेकिन उसने वहाँ रुकना पड़ गया पूरा वीकेंड बिना खाना खाए और पानी पिए, वो कमज़ोर हो गई थी। 28 जून को जब बैंक खुलता है तो उसे वहाँ सीसीटीवी कैमरे फूटे हुए देख करके लोग पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं और पुलिस ने इसाबेला को गिरफ्तार कर लेती है। इसके बाद उसका इलाज के लिए उसे भर्ती करवाया जाता है। इलाज के बाद पुलिस ने मारोबा में उसे गिरफ्तार कर उसे शिलोंग के यूथ क्वारंटाइन सेंटर भेज दिया। मारोबा में उसके ऊपर IPC के संबंधित धाराओं के FIR दर्ज कर ली गई और फिलहाल पुलिस उसे कोरोना टेस्ट के बाद जा कर दी, जिसका रिपोर्ट आना भी बाकी है। उसके बाद उसको कोर्ट में पेश की जाएगी। तो ये एक अनोखी घटना जिसको लेकर के सोशल मीडिया पर हर जगह इसको लेकर के लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं। कोई इसकी मासूमियत की बात कर रहा है और कोई कह रहा है कि प्लान जो था वो वाकई में अच्छा था, लेकिन ये कहीं ना कहीं प्लान थोड़ा सा उसमें फेल हो गया। इस वीडियो को यहाँ खत्म करूँगा, अनुरोध करूँगा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बने रहो इंडियन नेशन के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।